मालिक ही सजन वजी प्यारी सत्संग जीओ, नाम का जाप सुखों की खान है और नाम का जाप करना दुनिया के हर कार्य से आसान है। कुछ उठाना नहीं, कोई मेहनत नहीं करनी, कहीं से कुछ लेके नहीं आना। एक बार गुरु पीरो मुर्शिदे कामिल से नाम गुरु मंत्र लेना है और उसके बाद जीभा से, ख्यालों से, कहीं कार्य करते हुए भी आप अगर सुमरण करेंगे तो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर हो जाता है। और मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जब मालिक का नाम हो जाता है तो आदमी के गम, दुख, दर्द, चिंताएं, परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं, तंदुरुस्ती आने लगती है, अंदर आत्मिक शांति छाने लगती है और इंसान अंदर से पवित्र होके मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता चला जाता है। तो अगर आप उस परमपिता परमात्मा के रहमो करम, दया मेहर को पाना चाहते हैं तो अपने हृदय को पवित्र बनाओ, उस मालिक की दया मेहर रहमत के लायक बनाओ और सुमरण करो। सुमरण के बिना छुटकारा नहीं है, सुमरण के बिना मन काबू नहीं आता। सारी दुनिया त्याग के जंगलों में जाओ, पहाड़ों में जाओ, उजाड़ों में जाओ, जब तक मन काबू नहीं आता तो आपका जाने का कहीं भी कोई फायदा नहीं। क्या पता ये कहां बट्ठा बिठा दे, क्या पता कहां ये चारों खाने चित कर दे। इसलिए मन से लड़ो और मन से लड़ने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम है। मन उम्र से कोई लेना देना नहीं रखता। कहीं ये मत सोचिए ये बुजुर्ग हो गया, ये बूढ़ा हो गया, पता नहीं पवित्र हो गया ना। जब तक आदमी का मन काबू नहीं होता वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकता, वो कभी भी मालिक के नूरी स्वरूप के काबिल नहीं बनता। बल्कि जो बूढ़े हो जाते हैं, सफेद आ गए, वो सोचते हैं बुरे काम करने का तजर्बा ही अब आया है। पहले की उम्र में तो यूं ही घूमते रहे, अब है कि कैसे जेब काटेंगे। और बुजुर्ग ये वैसे आदमी सोते यार ये तो बड़ा है, वैसे शक नहीं करते तो उसको एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है बुरा काम करने का। करूंगा तो कौन सा किसी ने शक करना है। लानत ऐसे लोगों पे, लानत उनकी सोच पे, क्योंकि जब तक आदमी सुमन नहीं करता मन जवान रहता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। इसकी गंदी सोच बढ़ती चली जाती है, इसको खाने पीने का या विषय विकारों का आहार मिलना चाहिए। ये तो पगलाया रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, कभी रुकने का नाम नहीं लेता। इसको रोकने के लिए एक ही लगाम है, सुमरन, सेवा, सच्चे दिल से बिना दिखावे के, बिना पाखंड के, बिना ढोंग के सुमरन करो, सेवा करो, तो यकीनन मन रुक जाएगा और मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से आप माला माल हो जाएंगे।